गुड मॉर्निंग गाइस, डे स्टार्टिंग विद द गाय का खाना एंड कबूतरों का बाजरा। ओ तो एज यूजुअल हम गाय ढूंढते हुए अब ये मिल गई है, एक बड़ी डिस्कसिंग है, बड़े मार ना दे हमें कहीं। रुको भाई रुको, क्या हो आता, रुको मेरी पन्नी फंस गई है। ऐसा किसके साथ होता है, बहुतों के साथ होता है जो पन्नी फंस जाती है और गाय आगे खड़ी हुई है, लड़ रही है उससे, उसको भगा रही है। भाई मेरे पास नहीं है कुछ, मेरे से लड़ाई हो गई भाई गाय की, उसने जो अपनी बच्ची है पता नहीं कौन है उसको भगा दिया सींग मार के। तो गाय को दे दिया गाय का खाना, कबूतरों को दे दिया कबूतर का खाना, ओलिव को दे दिया ओलिव का खाना। अब हमारी बारी है भाई, हमारे जाटों में ना रिचुअल है, डेली मॉर्निंग रिचुअल, जिसे हम कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, और बाजरा तो हम डालते ही हैं भाई। इससे ना क्या होता है कि आपके जो कर्म खराब होते हैं ना, जो कि आपको पता नहीं चलता, जैसे चीटा मर जाना, कुछ छोटे जीव जंतु जो आपके पैरों के नीचे आ जाते हैं जो नहीं पता चलता, तो वो भी आपके कर्मों में जुड़ते हैं, तो उनको धोने के लिए, पाप धोने के लिए ये रिचुअल्स होते हैं, ताकि आपको जो ना पता हो वो भी ठीक हो जाए। तो डेली किया करो भाई, डेली खिलाया करो गाय को, और जिसका मन करे मेरे को भी खिला दो, मैं भी सांड से कम खुल जाऊँ। मेरे को नहीं खिला सकते, बट मैं थोड़ा महंगा बहसा हूँ, मैं वो खाता हूँ पिज़्ज़ा बर्गर प्रोटीन। चलो गाइस अब हमारे खाने की बारी है, अब हम खाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी व्लॉग शुरू हुआ है, जब से खौ खौ नहीं सुनी थी। कितनी देर लगती है आपको, दो घंटे मांगने नहा के निकली है? अरे अब गला दबा रहे हो, मेरा पंखा चलाओ। सो गाइस अभी श्रुति निकली है नहा के, तो व्लॉग तो अभी शुरू हुआ है ना, धक्का मार मार के बनवा रहा है। तो हट नहीं थी, आटे की लुइया निकाल रही है। तो रोटी ऐसे बनानी है ना, पराठा, सॉरी पराठा पराठा। हाय अगेन गाइस, आई होप आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं जा रहा है अभी तक, तो मैं एक बहुत अच्छा प्रैंक लेके आई हूँ। वो प्रैंक इसलिए है क्योंकि जो तुषार ने लास्ट जब मैं अपने घर गई थी और मेरे पे अक्षत भाई साहब के साथ मिलके एक प्रैंक किया था, उसने मेरे पे मेरे सारे कबर्ड के कपड़े बाहर फेंक दिए थे, मेरा सारा मेकअप का सामान बाहर फेंक दिया था, और बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से गुस्सा होके मैंने वो वीडियो डिलीट ही करा दिया था। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने उसको ऐसे बता दिया। सो यस, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं उसका रिवेंज लूं नहीं, क्योंकि मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत हर्ट हुई थी। फिलहाल तुषार क्या है बाहर, और मैं आज बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वर्स्ट चीजें करने वाली हूँ, जो शायद उसने मेरे से एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा कि मैं उस पर प्रैंक करूंगी ऐसा कुछ। और सबसे पहले तो आज हम शाम को देखने जाने वाले हैं मूवी, बहुत इंटरेस्टिंग, वो मैं शाम को दिखाऊंगी। तो मूवी देखने जाना है तो तुषार को कपड़े भी पहनने होंगे, और अगर तुषार को कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए कपड़े मिलने भी जरूरी हैं। तो चलो दूसरे रूम में चलते हैं। तो पहले तुषार ने इस साइड घपला किया था, अब मुझे उस साइड घपला करना पड़ेगा। और बेचारा तुषार कपड़े तो पहने गए ना यार, बट इसमें से क्या पहनेगा मुझे ये भी नहीं पता एग्जैक्ट। तो अब हम करेंगे कुछ ऐसा, उसने तो सिर्फ निकाल के बाहर ही फेंके थे कपड़े, मैं बाहर नहीं फेंकूंगी मैं। ओ मेरी रिंग छुपा रखी है, ओ शिट मेरी रिंग छुपा रखी है, ओली ओली मेरी रिंग मिल गई। ये पता उसने क्यों छुपाई थी, मैं बताती हूँ, कपड़े छोड़ो एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे से गलती से हाथ लग के, तुषार बहुत सालों से एक ही चेन पहनता है, वो मतलब उसकी बहुत फेवरेट चेन है, तो गलती से मेरे से ना हाथ लग के वो खिंच गई और उसका लॉक टूट गया। तो उसने मेरी ये रिंग छुपा दी कि जब तू ठीक करा के देगी तभी मैं तुझे रिंग दूंगा। मेरा एक फ़ायदा हो गया सबसे पहले, चलो बाकी का काम करते हैं। ठीक है, वो हो सकता है इधर से भी ना कुछ निकल जाए। ये तुषार रिवेंज रिवेंज। अब ये भी तो नहीं पता तुषार जी पहनेंगे क्या, कैमरा तो मैंने लगा दिया है क्योंकि तुषार जी से तो मैं रिकॉर्ड करा नहीं सकती। अब तुषार से मैं प्यार ही इतना करती हूँ, क्या करूँ, दुख तो मुझे भी हो रहा है। आई लव यू तुषार। और इन सारे कपड़ों को यहाँ से करेंगे गायब। अरे मम्मी कितने कपड़े पहनता है आदमी, मिलती हूँ दूसरे कमरे में। ये मैंने फेंक दिया है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी मेरे पति के कपड़ों का ध्यान रखना, और मैं तो इतने में थक गई, बहुत बड़ा प्रैंक कर रही हूँ मैं शायद।
दूसरी तैयारी करते हैं। दूसरी तैयारी जैसे कि आप लोग को पता है लड़कियों के लिए जरूरी होता है मेकअप, वैसे ही लड़कों के लिए जरूरी होती है उनकी कार। और मैंने तुषार की कार की खोल दी है, इसमें से सेल निकाल लिया है और मैंने सेल के साइज का काट लिया है ये कागज और इस पे मैं भी कुछ लिखने वाली हूँ। वेट, मैं पास आके दिखाती हूँ आपको। कुछ ऐसा दिखने वाला है जो मैंने लिखा है। अब मैं इतनी इज्जत तो रखी है मैंने तुषार की कि मैंने पूरा नहीं लिखा। इसको हम लगाएंगे ऐसे, जब तुषार जी चेक करेंगे अपना सेल और हम इसको कर देंगे लॉक। ये हो गई तुषार की रेडी। मैं ले आई हूँ कोलगेट। अपने दांत स्वस्थ रखे जाते हैं वैसे इससे तो, बट तुषार की चप्पल हो रखी है ऑलरेडी गंदी और तुषार बाहर से आके चप्पल तो चेंज करेगा ही, तो अब गंदी चप्पल को ओली बेबी और गंदा तो करना पड़ेगा ना। ओली होली देख रही है ये मेरे मालिक के साथ क्या क्या हो रहा है। घूमता ना 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 घूमता ना 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 घूमता ना ना ना। ओली बताइए मत, ओली बेबी बताना मत प्लीज, आपको मेरी कसम है, क्योंकि मेरे साथ बहुत वैसे दिखेगा तो नहीं ना, मैंने थोड़ा बदतमीजी से डाल दिया है बट स्टिल दिखना तो नहीं चाहिए। इतना इनफ होगा। ओली वैसे तो नहीं बताएगी बट ये स्लीपर्स हम रख देंगे यहाँ पे, व्हाइट चप्पलों में नहीं दिखेगा इतना जब वो यहाँ से कैसे पहनेगा ना, शैडो बन रही है। यस यस, इतनी सी चीज से मेरा पेट भरने वाला तो है नहीं क्योंकि मुझे चाहिए बहुत तगड़ा रिएक्शन, मुझे तुषार को बिल्कुल किलसाना है। तो मैं लेके आ गई हूँ गुलाल यहाँ पे और बताती हूँ करने के वाली हूँ, दिखाऊंगी नहीं। आ गई हूँ गुलाल और मैं बताऊंगी नहीं, मैं सीधा दिखाऊंगी कि मैं कितना गंदा कर सकती हूँ तुषार के साथ। वैसे तो मैं खुद सोच रही हूँ कि ऐसा क्या लिखूँ बट स्टिल पहले तो अपना नाम लिखना बनता है। मैं लिखने वाली हूँ एक सेकेंड, वैसे मैं पहले श्रुति लिख रही थी बट श्रुति मेरे से लिखा नहीं गया, बहुत बड़ा है, मैं लिखने वाली थी श्रुति दी इज दी बेस्ट पर इतना गुलाल था नहीं हमारे पास, तो मैंने लिख गया हैप्पी। और इसको देखकर तुषार जगह बहुत ज़्यादा हैप्पी, इससे पहले आए हम निकल लेते हैं ऐसे गोली हो लेते हैं ऊपर। मैं ऊपर आ गई हूँ, मैंने अपने खुद के कपड़े साफ कर लिए क्योंकि मेरे पूरे कपड़े रंग गए थे कलर से। और अब एक प्लानिंग और करनी बची है जो कि है लास्ट और शायद सबसे गंदी और मतलब देख के ना ऐसे किचकिची सी हो जाएगी, जो कि है तुषार आने के बाद वॉशरूम तो जाएगा। अब वॉशरूम जाएगा अगर, और अगर आपके घर का वॉशरूम आपको ऑलरेडी बहुत गंदा मिले, बहुत ऐसे गंदा मतलब अनहाइजीनिक मिले, तो आपको कैसा लगेगा? हल्दी के साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये है हमारी न्यू रेसिपी गाइस। ये वाला प्रैंक करने में मुझे सच्ची बताओ तो मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे खुद भी अनहाइजीनिक फील हो रहा है बट मैं गंदे से गंदा रिएक्शन नोट करना चाहती हूँ तुषार का, और इसलिए मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। और आपको पता ही है कि बॉयज वॉशरूम वैसे ही गंदा करके रखते हैं, मुझे इसके लिए माफ कर देना, ये बहुत गंदा सा है बट ठीक है। तो या तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट डाल देती हूँ ऐसे साइड पे, वेरी वेरी अनहाइजीनिक चीज मैंने सबसे पहले पॉट में डाल दिया ताकि ज्यादा गंदा लगे, करके भागना चाहती हूँ यहाँ से, सॉरी गाइस। तो मुझे पसीने आ गए सारे काम करते करते। ओलिव रुक जा, ओलिव वी आर ऑल सेट है ना, हूँ बोल रही है ओलिव वी आर ऑल सेट। उस दिन तूने तुषार के साथ मिलके मेरे को परेशान किया था बट आज तुझे मेरा साथ देना होगा। ऐसा कुछ है, मैंने कैमरा भी ओपन वाइड कर लिया ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। तुषार यहाँ से एंटर होने वाला है और ये है तुषार की गाड़ी पे कलर, फिर ऊपर आएगा कीज मांगने। दो पांच मिनट और रहते हैं, मैंने कैमरा भी वाइड एंगल पे लगा लिया, यहाँ से तुषार आने वाला है, सब कुछ आपको दिखेगा लाइव, जस्ट वेट एंड वॉच। आ गया तुषार, देखो वो यही आदमी है। और कितना नॉर्मल भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है सारी चीजें देख के, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या रिएक्शन वाला है। ओके उतरो, हाँ आती है, हाँ गुड गुड। मैंने भी अपने कपड़े साफ किए थे आके, फोन किसको मिला रहा है, मुझे ही कर रहा हूँ, एक मिनट वीडियो में पॉज आने वाला है क्योंकि मुझे ही फोन कर रहा है।
पता नहीं किसको कर रहा, मुझे तो करनी था क्योंकि मैंने अपना फोन एयरप्लेन मोड में डाल दिया, हो सकता है मुझे ही कर रहा हो। भाई लग तो गुस्से में रहा है क्योंकि जो मर्जी कर लो इसकी गाड़ी को मत छेड़ो। ओ भाई भाई गेट खोल के मुझे छुपके से बैठना है। ओलिव चलो अंदर। ये गाड़ी में क्या रखा है? क्या हुआ? ये क्या कर रखा है गाड़ी में? क्या कर रखा है मतलब? गुलाल डाल रखा, मेरे सारे कपड़े भी खराब हो गए। किसने डाल रखा है? क्या डाल रखा है? इतना हाइपर क्यों हो? चाबी दो यार गाड़ी की। यार चाबी मुझे क्या पता कहाँ है? चाबी दो यार। अच्छा ये लो ये रखी। आना एक बार नीचे आके देखो क्या कर रखा है। चलो एक मिनट चप्पल पहन लूं मैं, मेरी चप्पल कहाँ है? ये दी, एक मिनट एक मिनट। के बच्चे भी ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार। ये थोड़ी ना तो होली भी चली गई, मतलब तेरा डाल दिया। अब तो होली भी चली गई है, पता नहीं सोसाइटी के बच्चे कब सुधरेंगे। एक बार और लिखा था इन्होंने हमारी गाड़ी पे कुछ, बट ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ लिखा है? हो अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या समझ गया। हटो यार भाई, मैंने मुझे मत चिल्लाओ आप ऐसे। बदतमीज होता है बच्चे ना। बाइक भी गंदी हो गई यार, मैं कर दूं क्या साफ? दूं क्या साफ? क्या हो गया? ये क्यों नहीं खुल रही? क्या नहीं खुल रही? कैसे खोलूंगा? सेंटर लॉकिंग है, उस साइड है चाबी, अब उस साइड जगह नहीं कुछ नहीं। आप गाड़ी भी तो ऐसे पार्क करते हो, पहले ये तो साफ कर लो। आपके वीडियो बना रही हो, पागल हो गए? अरे मैं दिखाऊंगी तो ना कि सोसाइटी में कि किसके बच्चे ने किया है। अब इसको क्या हो गया? ये तो ठीक चल रही थी अभी तक। मुझे नहीं पता तुषार, चिल्लाओ मत यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो खोल खोल के शायद कुछ हो गया हो। ये क्या? आपने करा ना? आपने करा ना ये? सेल कहाँ इसका? मुझे नहीं पता। घर पे मैंने सिर्फ ये किया, ये नहीं किया। तो शायद आपकी कसम, मतलब आपकी कसम नहीं पर मैंने ये किया, ये वाला नहीं किया। अब बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो बना दो बाइक के साथ। बाड़ में जाओ। तो साफ करो, आप ही ने करा। मैं क्यों करूँ साफ? मैं जा रही हूँ ऊपर करके आ जाना। मैं बदतमीज हूँ? ये काम मैं कर देता ना फिर आप रोना धोना हो जाता, अभी फोन आ जाते 10। तो मैंने स्क्रैच थोड़ी मार दिया, मैं ये तो मैंने किया भी नहीं कुछ भी। गाड़ी चला ली तो दबाऊंगा। हाँ अभी गाड़ी अच्छे से साफ करो यार, नीचे उसमें कलर भर गया यार। छी छी छी, लोगो खराब हो गया सारा। करो साफ यार अच्छे से। वाह होली है, उसके बाद ने पूरी गाड़ी साफ कर दो। देखो मिट्टी जमी हुई है गाड़ी पे, पूरी गाड़ी साफ कर दो। तो इस कपड़े से होती है कि मिट्टी साफ? हाँ कर दो। और वैसे आप ही मम्मी के किचन का कपड़ा लाए हो, आप तो गए पीला कर दिया पूरा कपड़ा। हाय पीला, हाय पीला 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 कर दिया, गाड़ी कर दिया। देखो सब पीला पीला कर दिया, बिल्कुल तेरी शक्ल जैसी लग रही है ये। तू ऊपर तुषार के स्वागत की तैयारी करने के लिए और कपड़ा लेके दनादन 10 मिनट हो गए इसको नीचे गाड़ी को साफ करते हुए। ओह मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस पे, मैं ना थोड़ा दूर बैठ जाती हूँ ताकि इसको शक ना हो मुझ पे। खुला है गेट? हाँ खुला है। हाँ तो घर की चप्पल अंदर मिलेगी ना तुषार, बाहर की बाहर उतार। मैं भी बाहर रह लूं। नहा लो जाके, क्या हो गया? नहा लो जाके। तो सेल डालो यार जो आपने करा, या आपने करा और किसी ने नहीं करा, मेरे को पता नहीं है क्या। इतनी गंदी तरह क्यों फेंक रहे हो? क्या कर रहा है यार? तू कौन लगा चप्पल यार? मैं लगाऊं तेरे मुंह पे? लगा दूं अभी पैर? नहीं मजा आ गया भाई। कौन धोएगा इसको? आप ही धोके जाओ, नहा लो मन तो कर रहा है आपका, मुंह धो दो इससे। नहा लो जाके गंदी यार, बहुत गंदा गिलगिले लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, मुंह उल्टी कर दो ऐसा मन कर रहा है, इतनी गिलगिले लग रहा है, सुंदर लग रहा है। शा शिक शाक श, ये मैं तौलिया, ये लो। कोई बात नहीं ना, बहुत गंदा लग रहा है। श्रुति मजाक से उठ कर कह रहा हूं, क्या है यार? अब मैं धोऊंगा, ये तो धोने में आधा घंटा लग जाएगा इसको। धो लो, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों करके दिखा रहे हो यार? मेरा कोई हक तो मेरे लगी थी, तो आपकी भी तो लगाऊंगी ना, आपकी भी लगी। क्या आपने कपड़ों के साथ?
रखे आपको बताओ सील कपड़े तो छोड़ो बाहर में गए उधर मुझे कुछ मिला था अभी कुछ तो फायदा हुआ मेरा स्नैचर कोई नहीं नहीं खरीद लो जाके कपड़े तो मिलने से रहे वाटरप्रूफ सॉरी वाटरप्रूफ साउंड प्रूफ घर बनवाना पड़ेगा मुझे जितना आप चिल्लाते हो यार जो मेरे को बहुत मेरे कपड़े लाके रख दो मैं नहाने जा रहा हूँ दिमाग मत खराब करना मेरा मेरे कपड़े क्या कर रखा है देखो सही उल्टे आ रहे हैं साफ कर दो क्या डाला आपने मैं पॉटी क्या पॉटी करके आई थी क्या हो गया खड़ी होकर पॉटी करी थी क्या क्या खड़ा होकर मुक्ति हो क्या क्या कर खड़े होकर मुक्ति हो क्या है ये मेरे कपड़े ऐसे क्यों डाल दिए इसमें छी मैंने नहीं किया ये छी ना ये कपड़े मैंने डाले बट वो मैंने नहीं किया ना गुलाल वाला मैंने किया पीली चीजें मैं नहीं करती तुषार सॉरी नहीं किया मैंने नहीं किया मैंने यार बेटा इसका मतलब मैं लूंगा फिर अच्छे से और अभी बता दे पहले और क्या रखा है यहाँ कभी ना देखो तेरे नकली लिंग लिंग में यार ठीक यार तुम्हारे घर में ऐसे सब चप्पल धोते हैं क्या कोलगेट से आपकी चप्पलें काली हो रखी थी मैंने व्हाइट करने के लिए डाल दिया कहाँ से देखा ये सब करना कहाँ से देखा है मेरा दिमाग नहीं आ सकता क्या मुझे इतना तो नहीं है तेरे पास बुद्धि और ये क्या डाला है सच्ची में डाल उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है तुषार आपकी स्वेयर नीचे बैठ के करोगे क्या किसी कैफे में जाके बाथरूम में गुज्जर उल्टी कर रखी दस बंदों ने रखा भी है तो तुम्हें पी के उल्टी करी आ गया तो कॉलर क्या रही है पेशाब के अंदर क्या डाला है यहाँ पर छी बदबू कैसे आ सकती है तू उल्टी करी है पी है तूने घर पे पी तो नहीं है बट पेट खराब था तो उल्टी कर दी क्या हो गया साफ कर दो कर नहीं सकते पहले काम कर अपने पैड भी रख दे यहाँ पर माथे पे लगा दे यहाँ पर छी क्या तुषार नीचे बैठ के क्यों कर रहे हो ऊपर कर लो ना तूने कर ली ना ऊपर आ गई तो कर दी तू सुखा के आ जा मैं तेरे मुंह में फेंक दूंगा यार मुझे लगा कपड़े अंदर डाल रहे हो हल्दी हल्दी कहाँ से आई आय हाय तेरे अंदर हो गया तेरे अंदर दम हो ना तो छुड़वा लियो जीभ लगा के मुझे छुड़वा छी कपड़े कैसे नहीं छोड़ दुखी कर रही है तू बहुत ज्यादा मेरे गाड़ी का रिमोट का सेल ले खा रखा मैंने चलो वो मैं दे रही हूँ आप नहा लो जब तक ठीक है मैं कपड़े डाल देती हूँ बाहर आपके आप नहा लो मैं आपका बाहर टंकी में भी डाल रही होगी कुछ नहीं 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 मैं बाहर मैं भी बाहर बोल रही हूँ नहा लो नहीं नहा लो ऐसे आप गंदे हो गए इसलिए नहा लो तू टंकी में भी डाल के आई टंकी में तो मुझे भी नहाना है ना उससे टंकी के अंदर आएगी जाके नहीं नहीं उससे तो मम्मी को भी नहाना क्या डाल रही है बता दे ऊपर मैं गई नहीं आज तक छत पे तू टंकी में डाल के आई जो तू बार बार बोल रही है नहा लो मैंने आज तक तूने बोला नहीं अरे नहा लो यार पागल आदमी बुद्धि खराब हो गई क्या चीज में प्रैंक दिख रहा है नहा लो जिसमें हमारी सीटें भी ऐसे ऐसे हिलेंगी पूरी जाएगी कौन जाएगी मैं बाहर आ रहा हूँ तू बच के दिखा दियो नहा तो आओ पहले नहाओ पहले क्या मारोगे क्या ऐसे क्यों खड़े हो चौधरी की तरह सही सही बता रहे तू बार बार नहाने के बोल रहे हो तू डाल के आई है तू इतनी फटती है क्या आपकी मिर्च है नहीं है मेरे शरीर में जलन होगी तो कुछ लाल मिर्च डाल के आई होगी तो नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी फिर क्या डाल के ना बड़ा नहीं नहीं ऐसा भी नहीं अरे नहा लो यार पागल हो क्या आपके सर की कसम मैं कुछ भी नहीं डाल के आई जाओ नहा लो ऑलिव की कसम जाओ टंकी में कुछ नहीं जाओ थोड़ा बाथरूम भी साफ कर देना गंदा हो रहा है और अब जैसा कि आपको पता है आगे का कार्यक्रम यह है कि मेरे पति नहाकर आने वाले हैं मुख्य समाचार यह है ऑलिव यहाँ है वेट मेरा साथ दे रही है और बस लास्ट चीज क्योंकि नहा के आ रहा है तो मैं प्रैंक ऐसे सूखा सूखा तो खत्म कर नहीं सकती तो वाइट वाइट तो खत्म कर ही सकती हूँ इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे मेरा पति दुखी वो इसी में इतनी बक देगा मुझे कि मैं एक हफ्ते तक याद रखूंगी इसको रख के आते हैं इश्क तेरा ले डूबा हाँ हाँ कौन सी टी शर्ट अरे तो छुपाई कुछ तो दो अभी सुखा के आई हूँ ना टी शर्ट है ही नहीं मैं कैसे दे दूँ ऑलिव ने फाड़ दिया आधी आधी में आ जाओ क्या हो गया निकालोगी ना तुझे ऑफिस चढ़नी होगी ना लड़कियों नीचे पहना है ना नीचे ही पहना है बस तो आ जाओ हाँ आ जाओ क्या हो गया ना तू तो है मैं नहीं होता तभी मैं नहीं आया 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 मैं तेरी पड़ी हुई मैं ये पहन रहा हूँ और इससे पॉट्स ऑफ करूँगा अच्छा
ला रही हूँ। ये लो बेबी। दिल दे चुके सनम। बदतमीजी हो आप, बदतमीज। तेरे बत्तमी, हो गए हैं हम। सुनो तेरी कसम। अरे कुछ है तो बता दो पहले। क्या? कुछ कर रखा तो पहले बता दो। मैं नहा चुका मेरे कपड़े और मेरा खराब मत कर। हो गया बस मेरा, मेरा बदला पूरा हो चुका है गाइस, लोग को पता है मेरा हेडेक हो रहा है बहुत तेज। अब आप जल्दी अपने बाल वाली सुखा लो फिर यार, प्लीज बाहर भी जाना है मैं आज शाम को यार। इरिटेट क्यों हो रहे हो आप? क्या हो गया? नहीं क्या हो गया, मैं आपने भी तो मेरे साथ किया था ना, तो हो गया बदला पूरा। और नहीं है क्या स्विच चेंज? पता नहीं इसका स्विच चलता कहाँ से। अरे वहाँ देखो ये क्या, इसमें क्या हुआ? मैंने तो पैसे पहले ही पूछा था, बता दे। अब मेरा मुंह पे तो लगा नहीं लगा। और कर ले प्रैंक, प्रैंक हो गया फेल। मेरे जैसा प्रैंक कर भी नहीं सकती। बट बहुत गंदा प्रैंक करा वैसे तूने आज, एक फेल हुआ है, बाकी जो तूने पास करे ना मैं इसका बदला जरूर लूंगा, याद रखियो इस बात को। नहीं भाई बदला बदला कुछ नहीं, आपने पहले क्यों क्यों डर गई, डर गई, डर गई क्या? आपने मुझ पे किया, तूने मेरी गाड़ी पे किया, मैंने तूने मुझ पे किया, अड़ जा। आपने मुझ पे किया था पहले, फिर मैंने आप पे किया, तो बराबर हो गया ना? अभी कोई बराबरी नहीं हुई, मेरे वाले प्रैंक को तूने डिलीट करा दिया था। फटे होट वाले बराबर हो गया। तूने मेरे वो डिलीट करा दिया। आपने देख लिया इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी है, ठीक है? गाड़ी को नहीं बख्शा, मुझे नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। अब आपको याद रखना, अब मेरी बारी है, अब बच के रहना। अभी नहीं करूंगा, जल्दी से नहीं करूंगा, बट सोच समझ के करूंगा। अब घर तो आप दोबारा भी जाओगी, फिर कुछ भी हो सकता है। अब मैं किसी के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ूंगा ही नहीं, और ना 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 मैं किसी का सुनूंगा, और मैं दिखाऊंगा अब होता कैसे सब कुछ। ना तेरा मेकअप खुरच दिया, ना मैंने ऑलिव का कर दिया तेरा मेकअप खुरच दिया। देखो बता दिया, जा रहे हो ये बाल्टी उठा के जो आपने मेरी गाड़ी का नाश करा वो करने। ठीक अब सफेद हो गए कहां से? मेरे फोन में। ये क्या बाल्टी उठा के जा रहे हो, पागल हो? कल कर लेना यार, तू कर लेना। कलर ही तो डाला था, स्क्रैच थोड़ी मार दिए थे। तो आपका आपका आपके कलर लगाऊंगा तब कल होगी, रंग रचा होगी उस पे। ये कहाँ जा रही है आपके साथ? तू भी निकल यहाँ से। चारा 10 मिनट से रगड़ रगड़ के अपनी गाड़ी साफ करता है, मैंने तो कलर ही डाला था, ऐसा तो कुछ किया भी नहीं। पे हमारा हो गया है थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम, क्योंकि बहुत गर्मी लग गई है व्लॉग बनाते बनाते, मैं तो थक गई, मुझे इसकी भी आ रही है, कोई मुझे याद कर रहा है शायद। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, मतलब मैं आई कांट इवन टोल्ड यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सॉरी। तो एक बार ये गाड़ी साफ़ कर ले तो मैं बाहर गाड़ी चलाने भी जाऊँगी अभी। और प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, क्योंकि मैंने सिर्फ रिवेंज लिया था, उसने मेरे साथ बहुत गंदा किया था, तो मैंने भी कर दिया। किल के बाद मैंने गाड़ी धोई है, इतनी साफ़ हो गई है, और ऊपर जा के उसको दिखाता हूँ मैं, और साथों साथ बाइक भी साफ़ करनी पड़ी मुझे। आप लोगों ने देखा किसने गाड़ी गंदी करी प्रैंक करने के चक्कर में, उन्होंने साफ़ करी, और यहाँ पड़ी हुई है, लेटी हुई है, सो रही है, इसको इतना भी अफसोस नहीं है। मैं कितनी मेहनत से नीचे गाड़ी और बाइक धो के आया, मेरे को 2 घंटे लग गए, और कैसे दिखा तो दो शक्ल, होश भी नहीं है इसको, बिल्कुल 1% होश नहीं है। और अभी तो बाथरूम साफ करना है, ये करते हैं प्रैंक और जाते हैं सो। बाथरूम मैंने साफ करा है, और अभी तक हार्पिक की स्मेल आ रही है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और सारी लाइटें बंद करोगी, और बाहर बज रहा है, दिखाता हूँ, बाहर बज रहा है इतनी देर से अलार्म तक नहीं सुनाई दे रहा इसको। मैडम मैडम हंसो मत, खड़ी हो जाओ। भाई जब ये घर पे नहीं थी ना, जब इसने मैंने इसके ऊपर प्रैंक करा था, तो जितना बखेड़ा करा था ना, दो मिनट में मैंने सारी चीजें इसकी वापस रखी थी अपनी जगह पे, और इसने मेरी गाड़ी धोई, मेरे को ही मेहनत करनी, मतलब मेरी गाड़ी गंदी करी और मुझे ही मेहनत करवाई। मतलब अपने आप रंग आ गया, अपने आप पॉट में हल्दी पहुंच गई, अपने आप मेरे कपड़े भीग गए, अपने आप सब कुछ हो गया, मेरा कोलगार्ड नहीं, कोलगार्ड भी मेरा सुबह करते हुए गिर गया होगा चप्पलों में। कपड़े सुखा के आई हूँ, ऐसे ही कपड़े सुखा के आई, बाहर में दिखाता हूँ भाई, बारिश का मौसम है, मैं भी फोड़ हूँ, जो मैंने गाड़ी धोई अभी कल धोना था, बट वो रंग नहीं छूटता इसलिए मैंने धो दी। बाहर देखो भाई,
बाहर पूरा बारिश का मौसम हो रखा है, लिटरली बता रहा हूँ। बादल आए हुए हैं, बिजलियां कड़क रही हैं और अब होने वाली है थोड़ी देर में बारिश। आ जाओ लिबा, आ जाओ, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, हम दोनों घूमने चलते हैं पार्क में। आ जाओ, पड़े रहने दे इसको। आ जाओ बेबी, कौन है क्या? अब कैसे आ गई? अब कैसे आ गई? अब क्यों सो जा? घूमने क्यों जाएगी? जो तुमने हरकत करी है उसके लिए तो घूमना नहीं, तो टांगना चाहिए उल्टा। यार कोई प्रैंक करके इतना मतलब क्यूट बन के दिखा रहा है और सो रहा है बेहार से, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं करा। सॉरी। सारा काम हो गया है जो इसने बखेड़ा फैलाया था ना। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मुझे फिर कपड़े पहन के, नए नए कपड़े पहन के जाना है मूवी देखने। आज हम देखने जा रहे हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, है ना? पानी का थोड़ा इफेक्ट होता है, फेस पर गिरता भी है स्मोक, पानी सब कुछ। तो इसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये पहली बार देखने जा रही है। मैं तो देख चुका स्कूल टाइम पे और अब ये इसको दिखाने की बारी है। अब चाटने दो पैर। तो गाइस थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करने के बाद जो कि आपको देखने को मिलेगा कल, तो उस ब्लॉग को भी देखना ना भूले क्योंकि मैं इसके एक्सप्रेशन नोट करने वाला हूँ कि इसको कैसा फील हुआ, तो इसका प्रॉपर रिएक्शन होगा। ओके, लव यू। कितनी बार भी खड़ी हो ले बट जाऊंगा तो मैं अकेला ही। इसको तो मतलब जो चीज घर पे रखी है जो नहीं खाई जाती उसको बेच आऊं? बेच आओ पूरा। गाइस आपको लेना है किसी को 50 रुपए में तरबूज, चलो 40 का लगा देंगे। खुद ही ऐसे दुकानदार हो ना तो खुद ही दुकान लुटवा ले अपनी। चलो 10 का ले लो। वो वाला वो आजकल वो चल रहा है ना, ले लो 500 में ले लो, बट चुरा लो, और चुराने के बाद हाथ मत आना, हरवरी बना देंगे। गोल्डन बटन ले लो, गोल्डन बटन ले लो। बारिश हो गई है वापस, मैं जैसा बोल रहा था मौसम बारिश का हो रहा है, तो सारी करी कराई मेहनत देख रहे हो पानी में जा रही है। मैं तो ऑलिव को जल्दी से ले आऊँ क्योंकि बारिश हो जाएगी फिर बाद में घूम नहीं पाएगी। दुख भी बहुत हो रहा है कि अभी धोई और अभी बारिश आ गई, ऊपर बिजली कड़कती आपको नजर आई होगी, अभी गुस्सा आ रहा है मेरे को स्विच के ऊपर। और ये गई भैंस पानी में, दिख चुकी है पूरी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी मेरे पे प्रैंक कर रहा है श्रुति के साथ मिलके। वो भी भाई अपना डेली रिचुअल्स करने, गन्ने का जूस, आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है गन्ने का जूस पीने में। यार तेज हो गई है एक्सट्रीम तेज, समझ नहीं आ रहा जाऊं कैसे घर, बट जाना तो पड़ेगा। आज मन कर रहा है बारिश में भीग ही लेता हूं थोड़ा सा, भगवान तो प्रैंक कर ही रहा है, थोड़ा मैं भी अपने ऊपर करा ही लेता हूं प्रैंक। कुछ तो मैंने गलती करी होगी, जो ऐसा बउआ जैसी शक्ल हो गई है मेरी, बहुत तेज हो रही है भाई बारिश, गीला होना शुरू हो गया ढंग से। भीग के तो आया, भीग के साथ में धूल मिट्टी के चांटे खा के आया। यार सारी टी शर्ट गंदी हो गई दूसरी। अब सुखाऊंगा अपने आप को तो है। और ये शाम को कुछ बना रही है, दिखाओ ना मेरे साथ कैसी लग रही है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं करता हूँ यही है। जय गुरु जी। अब बहुत बेइज्जती हो रही है, भगवान ने भी मेरे को नहीं बख्शा, इसने मुझे नहीं बख्शा।